सिंपली स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके जो है पॉसिबल आउटकम आपके जो बन रहे हैं उसको बोलते हैं सिंपल स्पेस, जो भी आपके आउटकम बन रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके पास दो चांसेस है, एक है हेड का दूसरा टेल का, मीन्स दो चांसेस है, दोनों का आप मिला लोगे तो आपका जो बनेगा वो सिंपल स्पेस बनेगा। और उसको हम जो ना ब्रैकेट में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हम उसको जो है शो करते हैं। अब जो है ना एक कार्ड है, आपने अगर टास खेली हुई हो तो वहां पे डेक जिसे बोलते हैं तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, नॉट इंक्लूडिंग जोकर। सो उसके जो जो सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम बनेंगे ना वो 52 ही बनेंगे, और अगर आप डाई रोल करें तो उसके आप सिक्स बनेंगे टोटल आउटकम्स। ऐसे ही कोई दूसरी चीज आप ले लें तो उसके अलग आउटकम पॉसिबल बनते, तो हम उसके जो है ना चांसेस को सिंपली बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब जो ना सैंपल स्पेस बनती है किससे है, लास्ट में सैंपल स्पेस बनती है सैंपल ऑफ पॉइंट्स। सैंपल ऑफ पॉइंट क्या होता है, जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस वो थी जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम जो आ सकते हैं वो हो, लेकिन सैंपल पॉइंट ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर इवेंट जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस हो या जो फाइंड करें उसको बोलते हैं सिंपल ऑफ पॉइंट। अब जैसे ना सिंपल स्पेस टॉसिंग अ कॉइन के होके टेल और हेड आ सकते हैं, इसके दोनों के हो गए सिंपल स्पेस हो गया उसका, लेकिन आप सिंपल पॉइंट किसको बोल दोगे कि हेड और टेल। आप बात कर रहे हो टेल की तो वो आपका क्या है, वो है सिंपल पॉइंट आपका। अगर बात करो आप हेड की तो वो आपका सिंपल पॉइंट है। टेक ऑफ कार्ड है 5 कल्ब, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा जब तक हम इसको पहले पूरा मैं आपको क्लब का समझा लूं। अब ये इवेंट क्या है, अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट ये होता है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी रिजल्ट जो है, मींस चांसेस ऑफ अकरेंस आप किसी के फाइंड कर रहे हो तो वो इवेंट होता है, उस इवेंट का अकरेंस होता है, अकरेंस मींस होने के चांसेस। ठीक है, जैसे आपने डाई रोल किया तो आप बोल रहे हो कि जो है 6 आने के कितने चांसेस है, तो 1/6 है, तो आपका वो इवेंट हो गया एक, ठीक है ना, उसको इवेंट है। आप कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड आने के कितने चांसेस है, तो हम उसको बोलते हैं गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग इज कॉइन इज हेड और इवेंट। कोई भी आप टॉस कर रहे हो, आप बोले हो टेल आने के कितने चांसेस है, तो वो आपका होता है इवेंट। जी उमर, आप क्वेश्चन पूछे। सर क्वेश्चन ये था कि हमें ना समटाइम कार्ड दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जो है किंग वाला कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आठ वाला कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, ये जो ना एमसीक्यू पे सॉल्व करेंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट को तो डेक का पूरा पता नहीं होगा कि उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, उसमें डायमंड होता है, फिर जो है कल्ब के कार्ड होते हैं, उसकी जो है डिवाइड डिवीजन कैसे होती है, क्योंकि वेरियस जोकर होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, तो मैं पहले उसकी पूरी आपको जो है ना जब तक नहीं समझा पाऊंगा कि उसकी जो है डिवीजन कैसे होती है कार्ड की 52 में से, देन आप जो है ना किंग भी होता है लेकिन किंग के साथ साथ दूसरे भी होते हैं कि आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते कि जब तक आपके पास टोटल आउटकम स्पेस नहीं होता, तो वो हम स्टडी करेंगे। अब इसका इजी है, जैसे डाय को रोल करिए आपको बस 6 आउटकम है, सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे, लेकिन काफी स्टूडेंट ने ना जो है डेक देखी नहीं होगी, ताश के पत्ते नहीं देखे होंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि जो है डायमंड का क्या होता है या स्पाइडर क्या होता है, तो वो चीज हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, हाँ, What is the probability of being born on Wednesday? अब किसी के भी बर्न होने के वेनसडे के चांसेस कितने होते हैं? अब आप यहाँ पे देखें इसके पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, कि वो पहले तो आप इसके ना टोटल स्पेस बनाएंगे आउटकम स्पेस के, वो कितने जो है डेज में पैदा हो सकते हैं या कितने उसके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मींस उसके आप पूछ रहे हो कि फ्राइडे पे पैदा होने के चांसेस क्या है, उसके पास टोटल चांसेस हैं मींस 7 डेज हैं, मींस टोटल आउटकम स्पेस है हमारे पास 7, ठीक है। आप बोल रहे हो फ्राइडे वाले दिन आ जाए, ठीक है ना, आप एक पर्टिकुलर डे बोल रहे हो, तो आप बोलोगे 1/7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/7,
फिर आप बोलोगे ये होगी फ्राइडे की, अब आप इसको बोले थर्सडे की, तो इंडिविजुअल डे पे यही बनेगी उसकी, ठीक है ना। आप बोलो कि फ्राइडे और सैटरडे पे उसके पैदा होने के चांसेस क्या है, तो फिर आप दो डेज को कंबाइन करोगे, फिर बोलोगे 2/7, तो उसके पैदा होने के थर्सडे पे चांसेस होंगे, क्योंकि आप देखोगे टोटल जो है ना आपके पास डेज ही 7 है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, कि आपके जो है ना कोई एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसके जनवरी में पैदा होने के चांसेस कितने हैं, आप बताएं कितने होंगे। किस डे में पैदा होने के? मैं पूछ रहा हूँ कि एक बच्चा है, उसका मंथ जो है ना जनवरी मंथ जो होता है, उसमें पैदा होने के कितने चांसेस हैं कि वो उसी मंथ में, 1/12 नहीं 1/12 भी है ना साल, हाँ ईयर का, ठीक है ना, वो ईयर के साथ और उसके जो है ना 12 मंथ होते हैं, तो उसके साथ हम करेंगे, वैसे ही डेज के साथ करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया हो ये, और अगर वैसे ही अगर आप और कम करो तो आप 24 आवर्स में बोल सकते हो कि दिन के 12 बजे पैदा होने के कितने चांसेस है। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा, लेकिन आपको ना पहले जो है पहले टोटल आउट स्पेस जो बनानी है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मेन थिंग आपकी वो है कि आपको पता हो कि टोटल क्या है हमारे पास चांसेस, फिर आप जो ना एक या दो इवेंट के आराम से इजीली निकाल पाओगे। तो मेथड सिंपल है जिस आपको, अब जो है कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स यू कांट गेट बोथ इवेंट एट द सेम टाइम, मीन्स आप जो है ना एक इवेंट जो है, दो इवेंट जो ना एक सेम टाइम पे नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। मीन्स आप टेस्ट दे रहे हो, आप ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जिसमें आप टेस्ट पास भी कर जाओ और फेल भी हो जाओ, कोई भी इवेंट नहीं है। आप टास्क रोल कर रहे हो, ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि आपको टेल भी मिल जाए हेड भी मिल जाए, नहीं है आपका। एक आप मैच खेल रहे हो, आपके ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसमें आप जीत भी जाओ हार भी जाओ। तो मीन्स बोथ इवेंट के नॉट बी अकर एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, उसको हम बोलते हैं कि ये एक साथ अकर नहीं हो सकते। इट इज आइदर वन आर द अदर, मीन्स या तो एक हो सकता है या दूसरा हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों की दुश्मनी आपस में, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका ये हो गया। टर्निंग लेफ्ट और राइट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब जैसे आपके पास दो हाथ हैं, ठीक है ना, आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो, तो आपको या तो आपके पास चांसेस है आप राइट हैंड शेक करो या लेफ्ट हैंड शेक करो, आप कभी ऐसे तो नहीं करोगे कि आप दोनों हाथ दे दो उसको, ठीक है ना। तो वो है कि आपके पास है आइदर वन और अदर, नॉट बोथ, तो ये कंडीशन है आपकी जो लिखी हुई है, इसको बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। वैसे ही अगर टेल और हेड की बात करें तो भी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा। किंग है ऐसे है वो अभी जो है छे, अगर डाई की बात करें तो अगर 6 आया तो 1 नहीं आएगा, 1 आएगा तो 6 नहीं आएगा। इसके जो 6 ही इवेंट है ना डाई के, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। आप डाई में कभी ऐसा हुआ है कि आपको 6 भी मिल जाए 5 भी मिल जाए, कभी ऐसा नहीं होगा आपके पास। या तो आपको 6 मिलेगा 5 मिलेगा 4 मिलेगा या 3 या 1 2 1 मिलेगा, ऐसा कोई इवेंट नहीं आएगा जिसमें आपको दोनों कोई पॉसिबल सिचुएशन मिल जाए। किंग एंड हार्ट आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अब देखिए यहाँ पे ही अगर कार्ड्स कार्ड्स की बात करें तो तीन कार्ड्स के टाइप्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक तो किंग ट्रम यूज कर रहा है, दूसरा हार्ट्स यूज कर रहा है, तीसरा यहाँ पे इसने यूज किया एसेस, ठीक है ना। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है कि कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है, आपको देखना है कि इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, हार्ट के कितने होते हैं, डायमंड के कितने होते हैं, किंग्स कितने होते हैं, एसेस क्या होता है, जोकर्स कितने होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, थोड़ा बहुत आप जो है ना डेक को स्टडी करके आना, ताकि हम उसमें जो एमसीक्यूज करें ना फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ मुझे डेक स्टडीड है कि कार्ड्स में ये चीज होती है, फिर उस हिसाब से हमें जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं भी आपको समझाऊंगा लेकिन आप भी थोड़ा बहुत स्टडी करके आइए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने जैसे आपको नहीं बताया कि एक चीज के चांसेस आपको फाइंड है, तो आप जो है ना 1 से माइनस कर लो तो आपको चांसेस ऑफ नॉट अकरेंस आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो चांसेस ऑफ नॉट अकरेंस है तो आप चांसेस ऑफ अकरेंस फाइंड कर रहे हो। जी हसन, आप क्वेश्चन पूछें। अलैकुम सर, अगर वालेकुम दो डाइस और पूछ लें कि 4 के आने के चांसेस कितने हैं फिर, आपका क्वेश्चन समझ आए, 4 आने के चांसेस कितने हैं किसमें? और डाइस डाइस अगर दो हो हमारे पास, दो दो डाइस अगर हम रोल करें तो 4 के आने के चांसेस कितने हाँ हैं हमारे पास?
ठीक है, अब ये क्वेश्चन है सही था कि आप दो डाई रोल कर रहे हो तो किसी भी इवेंट या फोर आने के चांसेस कितने हैं। अब हम जब एक डाई रोल कर रहे थे तो हमारे पास टोटल आउटकम स्पेस बन रही थी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास टोटल बन रही थी 6। अब जब हम दो डाई रोल करेंगे तो हमारे पास +6 और आ जाएंगी, मीन्स दूसरी डाई के भी आउटकम हमारे पास आ जाएंगे, मीन्स हमारे पास टोटल आउटकम जो स्पेस बनेगी वो बनेगी 12। अब ये हमने निकाली टोटल आउटकम स्पेस के टोटल चांसेस हैं या टोटल चांसेस ऑफ अकरेंस हैं कि हो सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि अब फोर आने के चांसेस कितने हैं। पहले था कि एक ही डाय थी, अब थी दो डाय, और अब जो है ना चांसेस ऑफ फोर आने के कितने हैं कि ऐसे दो इवेंट्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो एक फर्स्ट डाय में भी फोर आ सकता है, सेकेंड डाय में भी फोर आ सकता है, दोनों डाय में फोर आ सकता है। मीन्स अब यहाँ पे जो ना वे ऑफ अकरिंग ऑफ फोर इज ट्वाइस, एक तो है ना फर्स्ट डाय में आ जाए, दूसरा है सेकंड। अब यहाँ पे ये नहीं क्वेश्चन है कि समल्टेनियसली आ जाए, मीन्स दोनों डाय में फोर आ जाए, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होगा तो उसका मेथड दूसरा होगा। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपके पास जब डाय दोनों रोल कर रहे हो कि जब दोनों रोल कर रहे हो तो दोनों में फोर फोर आए, ये नहीं है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि फोर आने के चांसेस कितने हैं। तो एक है कि इस डाय में भी फर्स्ट वाले डाय में फोर आ जाए और सेकंड वाले में भी फोर आ जाए, तो हमारे पास फोर के आने के चांसेस दो हैं हमारे पास, तो मीन्स 2/12, इसको सॉल्व करो 1/6 हमारा जो आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल स्पेस जो है ना बनानी, अगर मैं सिखाऊं, अगर आप टाइम हो तो मैं आपको सिंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ। लेट सपोज आपको दो कॉइन्स है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल कॉइन का देता हूँ, ठीक है ना। एक कॉइन है तो उसके आउटकम क्या होता है, टेल और हेड। अब आपको बोलते हैं कि आप इसके आउटकम स्पेस बनाओगे तो आप ये बनाओगे टेल और हेड, लेकिन अब दो आपके पास जो है ना कॉइन है, कॉइन वन कॉइन टू, कॉइन टू के भी जो आउटकम है वो है टेल और हेड। अब आप दो कॉइन जो है ना एट ए टाइम जो है टॉस कर रहे हो, तो आप उसकी जो है ना सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे। आपने एक कॉइन टॉस किया, उसका जो आंसर आया वो टेल आया, आपने दूसरा किया उसका भी जो जो है चांस आया वो टेल आया, तो एक तो ये सिचुएशन बन सकती है कि दोनों में टेल आ जाए। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, एक टेल आए दूसरा हेड आ जाए आपका, ये दूसरी सिचुएशन, ये भी बन सकती है आपकी। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, तो ये तीसरी सिचुएशन हमारी बन गई। चौथी सिचुएशन क्या बनेगी, जब दोनों में ही हेड आ जाए, तो मीन्स ये हमारी पॉसिबल आउटकम बनेगा जब दो कॉइन टॉस करेंगे। अब हम मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे पास टोटल आउट स्पेस में क्या है, कितने एलिमेंट्स है, वो है फोर, टोटल हमारे पास फोर बन गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जो है ना मुझे बताओ कि सिंपली आप मुझे बताओ कि हेड आने के चांसेस कितने हैं। अगर आपको समझ आ रहा है, सारी चीज लिखी हुई है, आप जो है मुझे टाइप करके बताओ कि हेड आने के चांसेस कितने हैं। नहीं, 1/2 नहीं, ये इस सिचुएशन में पूछ रहा हूँ, ये जो अभी मैंने सिंपल स्पेस दो कॉइन हमने टॉस कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे कितनी सिचुएशन में हेड आ रहा है, टू देखें ना, सॉरी, एक तो इस सिचुएशन में भी हेड आ रहा है, तीन सिचुएशन ऐसी बन रही है ना जिसमें हेड आ रहा है। थ्री जगह है हेड, 4/3 तो नहीं आएगा, 4/3 किसे आएगा, 4/3। अब ये बात सोच लें कि टोटल आउटकम स्पेस हमेशा ज्यादा होते हैं, मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमसे प्रोबेबिलिटी में हमेशा बड़ा होता है, वो आप कभी नहीं बोल सकते कि 3 हो। यहाँ पे आप 4/3 रख रहे हैं, मीन्स डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया, मीन्स टोटल आउटकम स्पेस आपकी छोटी है, चांसेस आने के ज्यादा है, तो ये कोई केस ही नहीं बनता आपका, तो ये आपके जो ना केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो हेड आने के है चांसेस 3/4, ये है आपके पास चार सिचुएशन है, आपकी चार सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है।
अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि दो बार हेड आए, मैं आपसे पूछ रहा था सिंपल हेड आए, तो तीन सिचुएशन इसमें है ना कि इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें सिर्फ हेड नहीं है, तो मीन्स मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कितने चांसेस बन सकते हैं हेड आने के, तो 3/4 बन सकते हैं कि हेड आ जाए हमारा, लेकिन अगर हम मैं ये आपसे पूछूं कि दोनों में हेड आ जाए उसके चांसेस कितने हो, तो उसके चांसेस हैं 1/4। अब देखिए यहाँ पे चार पॉसिबल आउटकम्स है, तो कौन सा एक इवेंट है जिसमें दोनों हेड है, तो ये पॉसिबल ये एक ही चीज है जिसमें दो हेड आ रहे हैं, मीन्स एक ही इवेंट है हमारे पास चार में से जिसमें जो है दो हेड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 1/4 मीन्स एक सिचुएशन है हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि 2 बार टेल आ जाए तो भी आप 1/4 करोगे, ऐसे आप सिंपल स्पेस आप डिजाइन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, जी जी 1/1 पूछते जाएं। सर क्वेश्चन है, अ डाइज रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4। ठीक हो गया, अब ग्रेटर देन 4 हो गया। अब यहाँ पे एक तो आपको चीज नोट करने की ये है कि ग्रेटर देन 4 मींस 4 खुद नहीं आएगा, पहली बात तो ये हो गई कि 4 नहीं आएगा। अब आपके पास चांसेस कितने हैं, आप अगर करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम स्पेस आपकी ये हो गई, ठीक है ना, टोटल आपके पास स्पेस ये है, ठीक है। आप बोल रहे हो ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 खुद ना आए, तो आपके पास बनेगी ग्रेटर देन 4 क्या है, एक तो 5 आ सकता है, एक तो 6 आ सकता है, तो मीन्स आपके पास दो चांस है, ठीक है ना, 2/6 पॉइंट 2/6 मीन्स 1/3। दूसरा किसका क्वेश्चन था जिसने हैंड रेस किया था, वो पूछ ले जिसने हैंड रेस किया था। सर, एक क्वेश्चन है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन डिसजॉइंट, हाँ यस, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पी इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखें मैं हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़े थे ना, डिसजॉइंट में हमने क्या किया था कि टोटली डिफरेंट हो, मींस उनकी जो प्रोबेबिलिटी हो ना डिफरेंट हो, मींस एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। अब आपने फॉर्मूला कौन सा बताया, पी इंटू ए यूनियन बी। अच्छा इसको प्रोबेबिलिटी को हम पी के साथ, पी ऑफ एन के साथ शो करते हैं, ऐसे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या जो डिसजॉइंट सेट हो, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अब लेट सपोज पी यूनियन है, अब लेट सपोज बात करें कि एक है आप कॉइन टॉस कर रहे हो, दूसरा है आप डाय रोल कर रहे हो, डाय पे जो आए वो डिपेंड नहीं करता कि कॉइन में क्या है, तो ये दोनों जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। अब आपके पास दो सिचुएशन, आपने डाई रोल की, आपको उसकी रिजल्ट्स अलग आएंगे, आपने कॉइन ये मींस दोनों इवेंट अलग है, तो उसकी जो यूनियन होगी ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, मींस वो अलग अलग होगी कि आप एक इवेंट को अलग से फाइंड कर रहे हो, दूसरे इवेंट को अलग से फाइंड कर रहे हो, मीन्स इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। इस पे सर अगर डिपेंडेंसी उसमें